लास्ट टाइम हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? हाँ, एक हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखा था, एक हमने डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल्स देख लिए थे, उनको हमने लिखा नहीं था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की दोबारा से बात करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ और उसके टाइप्स बताओ, राइट? दो टाइप्स के हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। लास्ट क्लास में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, आज दोबारा देख रहे हैं क्योंकि डिफाइन नहीं किया था हमने। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जैसे कि एक रिएक्शन है हमारे पास Zn प्लस CuSO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस Cu। तो जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, मतलब उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, तो हम बोलेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक सिंगल एलिमेंट ने दूसरे सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, मतलब एक तरह से एक ही डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसको हम बोल देंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? पहले हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, या फिर हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करने के बाद फिर सिंगल को करेंगे, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं, राइट? तो लिखो, अच्छा ये बताओ कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्यों डिस्प्लेस करेगा? हाँ जी, जैसे हमने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल लिया था, मान लो नाइन्थ क्लास में रहते, आप में से कोई फर्स्ट आया होगा, अब टेंथ क्लास में कोई और फर्स्ट आ जाए, क्यों? क्यों वो ज्यादा पढ़ेगा उससे, राइट? तो उसकी एक्टिविटी ज्यादा हुई कंपैरेटिवली दूसरे स्टूडेंट के हिसाब से, तो उसने उसकी जगह से उसे हटा दिया, खुद वहां पर आ गया, क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ाई की उसके कंपैरिजन में, इसलिए वो उसे उसकी फर्स्ट पोजीशन से डिस्प्लेस कर पाया। इसी तरह जिंक यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है, राइट? तो कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही दूसरे को हटा पाएगा। अब अगर मैं यहां पे रिएक्शन लिख दूं, मान लो Cu प्लस ZnSO4, अब देख के अगर मैं इसके कंपेयर करूं इसके साथ, देख के लगेगा कि हम इसको ऐसे लिख दें, राइट? लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इनमें से एक ही रिएक्शन हो सकती है, ठीक? या तो ये होगी या ये होगी। अब हमने बोल दिया कि ये होगी क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव होता है, वो जिंक को उसकी जगह से नहीं हटा पाएगा। अब जो नलायक बच्चा है, क्या कभी वो फर्स्ट पोजिशन वाले को डिस्प्लेस कर सकता है? तो कंपेरिजन करना भी बेकार है, तो रिएक्शन कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो इस केस में रिएक्शन नहीं होगी अगर हम लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन को कराए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रहा इसका एग्जाम्पल, क्लियर है चीज, राइट?
यही सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी हो गई है क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है, मतलब या हम बोले कि एक ही एलिमेंट की रिप्लेसमेंट हो रही है यहाँ पर। तो ये सिंगल सिंगल मतलब क्या होता है, एक तो एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, तो दैट इज आवर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये लिख लिया है सभी ने, नोटबुक्स चेक होगी बाद में सभी की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फर्स्ट टाइप क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल का मतलब क्या होता है, कौन सी चल रही, केमिस्ट्री। कौन सी चल रही, चलो आप पेन की चलाओ थोड़ा। हाँ जी, अब हम बात कर रहे थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अभी अभी जो हमने एग्जांपल देखा था वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट से था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं उसका। ये हम एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं कि अगर हम आयरन नेल्स को किसमें ले, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करें, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, राइट। देखा है कभी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लूइश शेड का होता है। उसके अंदर अगर हम आयरन की नेल्स को डाल दें तो क्या होता है, आयरन हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और Fe2SO4 बना देगा, राइट। ये सॉल्यूशन होता है हमारा ब्लू कलर का। लेकिन जब आयरन कॉपर को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो एक तरह से ये हमें पता चला जब कलर चेंज हुआ कि हमारी रिएक्शन हो गई है, राइट। और साथ में हमें क्या मिलता है, कॉपर। तो यहाँ पर आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, एक एलिमेंट ने दूसरे एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। तो इट इज आवर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि भाई सिंगल एलिमेंट ने सिंगल एलिमेंट को, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई है, एक की ही डिस्प्लेसमेंट हुई है। क्लियर है ये चीज, Fe। अब देख भी ले, आयरन नेल्स हमने किसमें डाली, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाली। जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं ये हमें ब्लू शेड का मिलता है, ये हमें ब्लू शेड का मिलता है, राइट। जब इसके अंदर हम आयरन नेल्स को डाल के रख देंगे, ये रिएक्शन थोड़ा टाइम लेती है, कभी एक दिन भी लग जाते हैं, कभी कुछ घंटे भी लगते हैं, मतलब फास्ट रिएक्शन नहीं है कि एक बार आपने फटाफट डाला और आपको रिजल्ट मिल गया। इसके लिए हमें सॉल्यूशन को रखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, राइट। तो जब रिएक्शन हो जाती है तो जो सॉल्यूशन हमारा ब्लू कलर का होता है, पहले उसका कलर क्या आ जाता है, ग्रीन। एक तो ये कलर चेंज इंडिकेट करता है कि वहां पर रिएक्शन हुई है, राइट। दूसरा, उस रिएक्शन में क्या हुआ है कि Fe ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर को, राइट। एक एलिमेंट का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सिर्फ कॉपर ही तो जगह से गया अपनी, राइट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसलिए रिएक्शन हो गई हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके डेफिनेशन लिखेंगे, अ रिएक्शन इन विच, लिखो सारे, अ रिएक्शन इन विच ओनली वन एलिमेंट, अ रिएक्शन इन विच ओनली वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। एक चीज याद रखना, जब भी आपसे पेपर में किसी भी रिएक्शन के बारे में पूछा जाए, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, चाहे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, मतलब किसी भी टाइप की रिएक्शन के बारे में अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, तो सिर्फ उसकी डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं लिखनी होती हमें, हमें उसकी रिएक्शन भी लिखनी होती है, चाहे वो हमें मेंशन करे या ना करे, राइट? क्योंकि अगर आप रिएक्शन नहीं लिखोगे, कोई पर्टिकुलर आपसे रिएक्शन पूछी गई है, तो आपके मार्क्स कटते हैं उसमें। कोई भी रिएक्शन की बात हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो गई, चाहे इतने सारे टाइप्स के रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, किसी भी तरह की रिएक्शन हो, चाहे वो इस चैप्टर की बात हो, चाहे वो दूसरे चैप्टर्स की बात हो, हर जगह आपको एग्जाम्पल रिएक्शन में मेंशन करना ही होता है, राइट? अदरवाइज आपके मार्क्स कटते हैं। क्लियर है ये चीज सबको? तो एक एक एग्जाम्पल तो सभी को याद होना चाहिए। एक क्यों, वैसे तो दो दो होना चाहिए, क्योंकि आपने पेपर में भी देखा होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन दिस रिएक्शन एंड गिव टू एग्जाम्पल्स, राइट? तो दो एग्जाम्पल पूछ लिए, अब एक याद करके जाओगे तो दूसरा कहां से लिख के जाओगे? तो कम से कम हर रिएक्शन के आपको दो दो एग्जाम्पल्स आने ही आने चाहिए, क्योंकि वो पेपर में मेंशन कर देता है कि भाई दो एग्जाम्पल लिख दो। तो दो एग्जाम्पल सभी रिएक्शन के याद रखना, हर चैप्टर की बात है, ठीक? अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल मतलब, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितने एलिमेंट्स की होगी, मतलब दो एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दी जाएगी। कैसे, वो रिएक्शन से समझते हैं हम। हम एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, वाटर, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। NaCl मीन्स हमारा जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है, जो हम घर खाने में यूज करते हैं, NaCl वही होता है। एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दें अगर हम, मीन्स NaCl, सोडियम क्लोराइड ऐड कर दें, और उसके अंदर क्या ऐड करें, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का सोल्यूशन होता है ये। जैसे ही हम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर नमक ऐड करने के बाद थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालते हैं, एकदम से उसके अंदर आपको धुंधला धुंधला सा, वाइट वाइट सा कुछ फॉर्मेशन नजर आने लगती है। जैसे ही डाला, एकदम से उसके अंदर आपको वाइट प्रेसिपिटेट्स नजर आने लगते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैंने थोड़ा सा एक ग्लास में दूध, सॉरी पानी लिया है, और उसमें मैं दूध ऐड कर दूं, एकदम से वाइट वाइट सा दिखता है ना, वही चीज इस रिएक्शन में होती है सेम। जैसे ही हम ये ऐड करते हैं, हाँ जी कौन बोल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट क्या, AgNO3, Ag, सिल्वर का सिंबल Ag, NO3 नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है ये। जैसे NaCl होता है, जैसे NaCl होता है, वैसे AgNO3 होता है हमारा, राइट? कंपाउंड्स होते हैं हमारे। अब वो वाइट जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो किसके बनते हैं, यहां से Na पॉजिटिव होता है, इधर Cl, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाता है, यहां आ जाएगा AgCl, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाता है, यहां पर क्या आया, NaNO3। ये बना हमारा यहां पर सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन का सॉल्यूशन इज नोन एज सिल्वर क्लोराइड, राइट? ये दो दो कंपाउंड्स या दो दो एलिमेंट्स के मिक्सचर होते हैं, राइट? कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे। तो ये सिल्वर क्लोराइड बना, यहां पर क्या बनते हैं, वाइट पीपीटी। वाइट पीपीटी कैसे याद रखोगे, चांदी सबने देखी हुई है या नहीं देखी किसी ने,
चांदी देखी है? नहीं देखी तो घर जाके देख लेना, अपनी मम्मी को बोल देना, दिखा देंगे वो। ठीक, चांदी किस कलर की होती है? थोड़ा व्हाइट कह सकते हैं हम याद रखने के लिए। तो उसके क्या बनेंगे? व्हाइट पीपीटीज बनेंगे। पॉसिबल हुआ तो मैं आपको रिएक्शन करके दिखा दूंगी। जैसे आयरन और CuSO4 की रिएक्शन मैंने कही थी, वो टाइम टेकिंग होती है। मीन्स अगर हम यहाँ पर उसे परफॉर्म करना चाहें तो वो सॉल्यूशन हमें आज बना के कल देखना पड़ेगा, राइट? लेकिन जो ये वाली रिएक्शंस होती हैं, ये बहुत फास्ट होती है। जैसे ही मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी, एकदम से मुझे रिजल्ट नजर आ जाता है। क्लियर है चीज? अब यहाँ पर NA की जगह क्या आ गया? AG और CL की जगह क्या आ गया वहां पर? NO3। मीन्स दो दो एलिमेंट्स की डिस्प्लेसमेंट हुई, दो एलिमेंट्स की डिस्प्लेसमेंट हुई ना, तो इसको हम बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब दो, मीन्स दो एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन लिखेंगे, a reaction in which two different atoms are exchanged, atoms likh lo, elements likh lo, are exchanged is known as double displacement reaction। क्लियर है ये सभी को? हमने, मैं एक बार सारी रिएक्शंस के नाम लिख रही हूं यहां पर, कि जो जो हमने की है उसमें से किसी को कोई रिएक्शन रिपीट करानी है तो अपना हैंड रेज कर लेना सिंपली, राइट? सबसे पहले हमने रिएक्शन की थी ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन। किसी को समझ नहीं आई है? हमने इनकी तीन डेफिनेशंस की थी, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। किसी को कोई रिएक्शन समझ नहीं है इनमें से किसी भी वे में, राइट? नेक्स्ट हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ नहीं है किसी को? हमने फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन की थी। हाँ जी, कौन सी कॉम्बिनेशन क्या होती है मुझे ये बता दो। हाँ, डीकम्पोजिशन होती है टूटना, उसमें दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, और डीकम्पोजिशन में, कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो एलिमेंट्स एक कंपाउंड बनाएंगे, और डीकम्पोजिशन जस्ट इसका रिवर्स होती है, वहां पर एक कंपाउंड टूट के या एक रिएक्टेंट टूट के हमें दो प्रोडक्ट्स देगा या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स देगा। क्लियर है चीज? एक दूसरे का जस्ट रिवर्स। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, तो दो जुड़ जाएंगे और एक प्रोडक्ट मिलेगा, राइट? और डीकम्पोजिशन जस्ट रिवर्स, मीन्स एक टूट के हमें दो प्रोडक्ट्स देगा। क्लियर है ये चीज सभी को, राइट? अब हमने इतनी रिएक्शंस की बात की, हमें पता कैसे चलता है एक्चुअल में कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हमें कैसे पता चलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है? रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं कि भाई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये दिस रिएक्शन, ये दिस रिएक्शन। हमें देखकर कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है?
ठीक है बिल्कुल। जैसे जैसे अभी हमने FP प्लस USO4 सॉल्यूशन की बात की थी कि भाई वो ब्लू से कैसा हो गया ग्रीन हुआ, तो उसका कलर चेंज हुआ, तो इंडिकेशन थी कि रिएक्शन हुई है। जैसे यहाँ पर CO2 की फॉर्मेशन हुई है, CO2 की स्मेल से या गैस की इवोल्यूशन होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुई है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे हमने अभी AgNO3 वाली रिएक्शन की बात की थी, वहां पर PPTs बन जाते हैं, मतलब पहले होता है सब लिक्विड, बाद में सॉलिड भी बन जाता है वहां पर, तो स्टेट चेंज हुआ राइट। तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि मैं स्टेट में चेंज हुआ है, तो दैट इज द इंडिकेशन फॉर कि रिएक्शन हुई है। क्लियर है ये चीज सभी को? ये क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। और लिखना सभी को है, नोटबुक्स चेक होंगी आप लोगों की। क्वेश्चन लिखो, राइट करेक्टर्स ऑफ, राइट करेक्टर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन, राइट लेके आप पीछे से, करेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर हम लिख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन, कि कोई रिएक्शन कैसे हो रही है, हमें वो कैसे पता चलेगा राइट। फर्स्ट लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। अभी अभी रिएक्शन बताइए आप लोगों को, कौन सी? AgNO3 प्लस NaCl, ये भी लिक्विड होता है, और जब हम नमक को पानी में डिजोल्व कर देते हैं वो भी लिक्विड बन जाता है, ये भी लिक्विड होता है हमारा, ये भी लिक्विड होता है राइट। लेकिन जब रिएक्शन होती है यहां पर हमें सॉलिड प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, किसके? AgCl के। लिक्विड लिया था, मिला क्या हमें बाद में? सॉलिड, तो एक तरह से स्टेट में चेंज हुआ, वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा NaNO3 राइट। या बोले तो कि प्रेसिपिटेट बने, पहले प्रेसिपिटेट थे नहीं, एकदम से बन गए वो, तो ये किसकी इंडिकेशन है कि एक रिएक्शन हुई है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट लिखेंगे इसमें। सम केमिकल रिएक्शंस, सम केमिकल रिएक्शंस आर, सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अकम्पेन बाय फॉर्मेशन ऑफ आर अकम्पेन बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। क्लियर है सभी को ये चीज? नेक्स्ट है हमारा चेंज इन कलर, चेंज इन
कलर कि किसी का कुछ कलर लेके चले थे हम, बाद में कुछ और कलर मिला, मतलब वहां पर कुछ हुआ होगा तभी तो कलर चेंज हुआ, अदरवाइज पड़े पड़ेगा खुद से कलर थोड़ा ना चेंज हो जाता है। मीन्स वहां पर कुछ रिएक्शन हुई है इसलिए कलर में चेंज आया। जैसे अभी हमने देखा था ब्लू से क्या था चेंज हो जाएगा, ग्रीन चेंज हुआ, अगर कुछ ना होता वहां पर तो ब्लू का ब्लू पड़ा रहता, तो उसमें कोई रिएक्शन हुई है तभी तो वो ब्लू से कैसा हुआ है ग्रीन हुआ है। तो लिखेंगे इसमें सम केमिकल रिएक्शंस, सम केमिकल रिएक्शंस आर accompanied by change in color। example क्या हो गया इसका, वही Fe plus CuSO4। CuSO4 का solution पहले कैसा होता है blue, बाद में जब iron copper को displace कर देगा it will become of ग्रीन कलर। कलर चेंज हुआ, कलर चेंज होने की वजह से ही हमें पता चला कि वहां पर कोई रिएक्शन हुई है। इसी तरह इवोल्यूशन ऑफ गैस, नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे अभी हमने रिएक्शन लिखी थी कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, CO2 गैस की फॉर्म में होती है, वो बाहर निकलेगी राइट। तो गैस जब बाहर निकलेगी हमें पता नहीं चलता, कलरलेस होती है, तो इसके लिए भी पता करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। इनको किसी किसी सॉल्यूशन में से पास कराया जाता है राइट। जैसे अगर CO2 को हम SO2 की सॉल्यूशन से पास कराए तो ये बबल्स की फॉर्म शो करती है, वहां पर बबल फॉर्मेशन बना देती है, हमें पता चलता है कि CO2 गैस पास हो रही है राइट। तो हम लिखेंगे इसमें सम रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस राइट। कुछ रिएक्शंस जब होती हैं तो उसमें टेम्परेचर चेंज भी आता है, मीन्स पहले अगर ठंडी थी फिर गर्म हो जाती है। हम जैसे सिंपल रिएक्शन की बात करें, H2O को मींस लिक्विड वाटर को मैं आइस में कन्वर्ट करूं, वो भी तो एक रिएक्शन ही है। वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम होता है आइस से, कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है ठीक। और आइस का क्या होता है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो वहीं से हमें क्या पता चला कि रिएक्शन हुई है। इसी तरह अगर हम बात करें वाटर से हम वेपर बनाए, वेपर का टेम्परेचर ज्यादा होता है कम होगा, ज्यादा होगा, और वाटर का नॉर्मली कम होगा उससे कंपैरिजन में, तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ या नहीं हुआ। और ये रिएक्शंस भी होती हैं आप लोगों को अच्छे से पता है ठीक। तो नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। Fourth is change in temperature. इसी तरह आप लोगों ने तेजाब वर्ड तो सुना होगा ना, कौन सा एसिड को बोलते हैं तेजाब, HCl और H2SO4, पता है सभी को, लग तो नहीं रहा, देखो आधों से ज्यादा तो आवाज ही नहीं आया। H2SO4 तेजाब जिसको हम एसिड बोलते हैं ठीक। अगर मैं उसको नॉर्मली एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डालूं और उसको टच करके देखूं, मुझे वो नॉर्मल सा गर्म लगता है, लेकिन जैसे ही मैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूं
थोड़े से की बात कर रहे हैं, ज्यादा में ज्यादा एसिड में पानी डालेंगे फिर गड़बड़ होती है, हम थोड़े से एसिड की बात कर रहे हैं, दो तीन ड्रॉप्स की, उसमें दो तीन ड्रॉप्स की। टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो किसी कोई रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होगा तो उसको भी हम क्या इंडिकेशन बोलते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, तो इसमें लिख देंगे हम सम रिएक्शंस, सम रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आप H2O वाली भी लिख सकते हो कि H2O लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो, H2O सॉलिड में, राइट। इसका होगा हाई टेम्परेचर और इसका लो टेम्परेचर। हाँ जी, चेंज तो है ना, बट टेम्परेचर भी चेंज है, राइट। इसी तरह अगर हम इसकी दूसरी रिएक्शन लिखें, Zn प्लस H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2, इसका दूसरा एग्जाम्पल, और साथ में इस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होती है, हीट निकल रही है इस रिएक्शन में। कौन सी रिएक्शन है, एक्सो या एंडो? पूरा चैप्टर खत्म हो गया फिर भी पता नहीं चल रहा कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है। लास्ट बेंच, एक्सो या एंडो? हाँ जी आप, हाँ कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक क्यों है, एंडोथर्मिक क्यों नहीं है भैया?